दोस्तों वैसे तो फौज के काम और खिदमात से आप सब वाकिफ है। फौज किसी भी मुल्क की हो, अगर ये इदारा मजबूत और मुनज्जम हो तो दुश्मन किसी भी किस्म की जारहियत से पहले हजार बार सोचता है। नजरिन वैसे तो फौज का काम मुल्क की दिफा करना होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही बदनाम जमाना फौज के बारे में मालूमात फराहम करेंगे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, और पैसों के लिए ये लोग हर नाजायज काम को अपने लिए जायज तसव्वुर करते हैं। नजरिन कराए कि फौज ब्लैक वाटर असल में क्या है और किस तरह इन्होंने अफगानिस्तान और इराक में अपनी कार्रवाइयां सरंजाम दी। दोस्तों दुनियाई दौलत के लिए ब्लैक वाटर किस हद तक जा सकती है, ये सब और बहुत कुछ जानिए इस वीडियो में। मगर दोस्तों ब्लैक वाटर ये आसान लफ्जों में किराए के कातिल ऐसी फौज है जो जंगे ठेके पर लेती है। दोस्तों ये एक ऐसी प्राइवेट फौज है जिसकी खिदमात अमरीका ने अफगानिस्तान और इराक के अलावा कई जगहों पर हासिल की। दोस्तों इस बदनाम जमाना कंपनी ब्लैक वाटर को 1966 में एक अमरीकी अरबपति एरिक प्रिंस ने कायम किया। दोस्तों एरिक प्रिंस का ये जाती अस्करी अड्डा दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्करी मरकज है और अमरीकी रियासत कैरोलिना में 7000 एकड़ पर फैला हुआ है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ब्लैक वाटर के तकरीबन 4300 एहलकार मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, जबकि 20 से 25 हजार तैयार है। दोस्तों ब्लैक वाटर के पास 40 से 50 तक गनशिप हेलीकॉप्टर और दुनिया का जदीद तरीन असलहा मौजूद है। नजरिन सन 2004 से पहले ब्लैक वाटर बिल्कुल खुफिया समझी जाती थी और किसी को इस बात का इलम नहीं था कि अमरीकी हुकूमत ने अफगान और इराक जंग को एक प्राइवेट इदारे को ठेके पर दिया हुआ है। दोस्तों सन 2004 में इराक के शहर फ्लोजा में एक वाकये से पहली बार लोगों को ब्लैक वाटर के बारे में इलम हुआ। इनके 10 फौजियों को फ्लोजा वालों ने कमीन लगाकर मार दिया और इसके बाद इन फौजियों की लाशों को जलाकर शहर की गलियों में घसीटा गया। दोस्तों ब्लैक वाटर अमरीकी हुकूमत से किसी भी जंग या अमन को ठेके पर लेती है, जिसकी यूज अमरीकी हुकूमत इनको अरबों डॉलर्स की फंडिंग करती है। इसके लिए ब्लैक वाटर किराए के फौजी भर्ती करते हैं और जंगजदा इलाकों में यूएस आर्मी के साथ भेज दिए जाते हैं। दोस्तों इनका सारा निजाम अमरीकी फौज से अलग होता है, हत्ता कि अमरीकी फौज को इनकी मरने वालों की तादाद भी नहीं बताई जाती, जबकि दूसरे तरीके से ये अमरीका से बाहर किसी भी मुल्क की फौज को किराए पर लेती है और अपने हदाब इनको बताए जाते हैं। जिस तरह ब्लैक वाटर ने अफगान नेशनल आर्मी को किराए पर लिया हुआ है और इनको दिन के हिसाब से उजरत अदा करते हैं। दोस्तों ब्लैक वाटर वो इदारा है जिन्होंने इराक और अफगानिस्तान में ऐसे जुल्म किए जिनको वीडियो में बयान करना मुनासिब नहीं। नजरीन अमरीका ने ब्लैक वाटर को डाल बनाकर जिस तरह इराक को तबाह किया, इस खुशफहमी को लेकर अमरीका ने पाकिस्तान के खिलाफ भी इंतहाई नापाक साजिश रचाई थी। इसके लिए अमरीका ने सदर जरदारी की दौरी हुकूमत में 200 ब्लैक वाटर के अहलकार बगैर वीजों के पाकिस्तान में दाखिल करवाए, जिसका मकसद पाकिस्तान की सलामती और हसास मुकाम तक रसाई हासिल करना थी। दोस्तों इन किराए के कातिलों ने कुछ गद्दारे वतन को भी पैसों के जोर पर अपने साथ मिलाए, जिनमें बादशाह और डिप्लोमेट भी शामिल थे। दोस्तों ब्लैक वाटर को न सिर्फ अमरीका बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी राग की भी मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी और यूं लग रहा था जैसे ब्लैक वाटर कैंसर की तरह वतनी अजीज में फैल जाएगी। दोस्तों ये वो वक्त था जब पाकिस्तान चारों अतराफ से दहशतगर्दी की जंग की लपेट में था। दोस्तों इन नाजुक हालात में पाक फौज और खुफिया इदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिन्होंने मुश्किल हालात में इंतहाई जवान मर्दी का मुजाहिरा किया और इन तमाम अफराद की कोच शुरू की जो बगैर वीजों के पाकिस्तान में दाखिल हुए। दोस्तों इन 200 अफराद का सुराग हमारे मुल्क की जाननिसार मुजाहिदों ने काफी मेहनत और दिन रात तगड़ों के बाद लगाया, क्योंकि एक तरफ मुल्क चारों तरफ से खतरात में घेरा हुआ था तो दूसरी तरफ ब्लैक वाटर रा के साथ मिलकर अपनी गंदी अजाइम की तकमील में दिन रात मसरूफ थी। नजरें इस दौरान आईएसआई की नजरें 200 एहलकारों पर मरकूज थी और तमाम तर मालूमात इनके हाथ लग चुकी थी। दोस्तों मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद गुमनाम हीरोज ने इनके बेहतरीन मेहमान नवाजी की, जिसके बाद अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में पिछले साल तकरीबन 200 के करीब अमरीकी टूरिस्ट गायब हो चुके हैं जिनके बारे में अमरीकी हुकूमत को कोई खबर नहीं। दोस्तों इस बात पर अमरीकी हुकूमत ने ज्यादा जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि अमरीका जानता था कि हमारे भेजे हुए 200 सामर खोर निकल चुका है, जिसके बाद अमरीका ने खामोशी इख्तियार की और इसी तरह दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन फौज ब्लैक वाटर मारखोर के आगे ये जंग हार गई।